दोस्तों क्या आपको पता है ये लेजर लाइट के अंदर ये गैप क्यों रहता है? दोस्तों क्या आपका भी ग्रीन लेजर लाइट के अंदर रेड डॉट प्रॉब्लम आ रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो के अंदर बहुत कुछ जानकारी देंगे जिससे आप अपने घर में बैठ के अपना लेजर लाइट खुद रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करिए वीडियो। दोस्तों हमारे पास ये लेजर लाइट रिपेयरिंग करने के लिए आया है। इसका जो प्रॉब्लम है ये देखिए, इसके अंदर से कुछ गिर गया है, ये देखिए खुल गया है इसके अंदर से। तो इसको फटाफट से पहले खोल लेते हैं। ये देखिए ये हमारा लेंस है, लेंस को देखिए ऐसे करके खोल लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाला पार्ट को अच्छे से खोल लेना है। उसके बाद ये जो लेंस को फिक्स करने वाला पार्ट को इसको खोल लेना है। ये जो लेंस हमारा है ये बाहर की तरफ नहीं खुलेगा, ये अंदर की तरफ टाइट करने से खुलता है। तो लेंस को खोलने से पहले इसको साफ करके दिखाएंगे। ये देखिए ऐसे करके आपको किसी भी एक कान साफ करने वाला रुई जो है ये लेना है। ये आसानी से बाजार में मिल जाएगा आपको। ऐसे करके आप इसको साफ कर सकते हैं। किसी भी हार्ड चीज़ से आप लेंस को साफ मत करिए, इससे आपका जो लेंस है ये ख़राब हो सकता है। तो अच्छे से साफ करना है। और ये देखिए ऐसे घुमाने से ये लेंस जो है अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए और उसके बाद एक अंगूठे के मदद से आप अंदर के डाल के ऐसे करके आप लेंस को बाहर निकल सकते हैं। ये देखिए लेंस पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। देखिए आपका लेंस बाहर निकल गया। अभी इसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा। और अगर अच्छे से साफ नहीं होता है तो आप प्लेन जो वाटर होता है उस पानी के मदद से आप इसको साफ कर सकते हैं। किसी भी केमिकल मत डालिए। अभी देखिए फिर से इसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए एक अंगूठे के मदद से ऐसे करके घुमाते जाइए, देखिए धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। देखिए आपका लेंस जो है बाहर निकल गया। अभी ये जो पॉइंट है ये क्या करता है, ये इसको फिक्स रखता है। तो अभी देखिए ये जो पॉइंटर के ऊपर से जो हमारा क्रिस्टल जो है वो गिर गया था, क्रिस्टल को यहाँ पर हम फिक्स करेंगे। तो लेंस का जो लाइट होता है ये देखिए, ये रेड लाइट, देखिए रेड लाइट अगर धीमा जल रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बैटरी जो है उसको चार्ज करना है। तो आपको बैटरी को चार्ज करके दिखाएंगे। उससे पहले एक चार्जर लेना है। ये जो डाटा केबल हमने बनाया था इसका वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हैं चैनल में, और डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएगा आपको। ये देखिए ये फटाफट से चार्ज हो जाता है। तो अभी नेगेटिव और पॉजिटिव को लगाने के बाद यहाँ पर देखिए बैटरी क्विक चार्ज हो जाएगा। तो अभी 10 मिनट के अंदर इसको थोड़ा सा चार्ज करके देखेंगे। इसको चार्ज करने के बाद इसको चेक करेंगे। रेड लाइट धीमा जलेगा तो आपको बैटरी को चेक करना है। अगर रेड लाइट ज़्यादा ग्लो कर रहा है फिर भी आपका लाइट नहीं आ रहा है, ग्रीन लाइट, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए देखिए नेगेटिव को अंदर डालना है और पॉजिटिव बाहर निकलेगा। तरीका अभी देखिए इसका लाइट जो है चाबी को ऑन करेंगे। देखिए रेड लाइट जो है ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमारा लेंस का जो लाइट है ये सही है, लेयर का जो लाइट है एलईडी जो है ये बिल्कुल ओके है। अभी ये जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल को यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए आप ये क्रिस्टल लगाएंगे, इस क्रिस्टल के अंदर छोटा सा एक ग्लास होता है, इससे आपका जो लेयर लाइट का जो पॉइंटर का लाइट है इसको कन्वर्ट कर देता है ग्रीन लाइट में। ये देखिए ये ग्रीन आ रहा है। अभी देखिए आपका जो एलईडी लाइट है उसका जो लेजर लाइट का जो एलईडी लाइट है अगर वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है फिर भी आपका ग्रीन लाइट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका लेंस के ऊपर जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो हिला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आपको ठीक से लाइट नहीं आ रहा है। आपको चेक करना है इस क्रिस्टल लगा हुआ कि नहीं, अगर ये क्रिस्टल गिर जाएगा तो आपका जो लाइट है ये रेड ही आएगा। तो आपको एडजस्ट करके इसको लगाना है जिससे आपका जो क्रिस्टल है ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करे। ये देखिए ये बिल्कुल ग्रीन लाइट आ रहा है एकदम, ठीक है, अंदर से तो रेड लाइट आ रहा है लेकिन यहाँ पर
पड़ने के बाद इसका जो ग्रीन लाइट निकलता है। ये प्रिज्म जो आता है उस प्रिज्म की तरह काम करता है, तो आपको एडजस्ट करके लगाना है। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर जाइए, वहाँ पर जाके इसको एडजस्ट करके लगा लीजिए। ये देखिए, ऐसे करके आपको एडजस्ट करके लगाना है। दोस्तों, क्रिस्टल को एडजस्ट करने के टाइम आपको ये बात ध्यान में जरूर रखना है, ये जो ग्रीन लाइट है ये खुली आंखों से आप मत देखिए, और इससे आपके आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है। क्रिस्टल को एडजस्ट करने के टाइम आपको छत की तरफ देखना है, जहाँ पर लेजर लाइट का जो लाइट पड़ता है वहाँ पर आपका जो लाइट है ज़्यादा होना चाहिए। जो ग्रीन डॉट है ये बड़ा और ज़्यादा लाइट होना है, तो उस जगह पर एडजस्ट करके रख देना है। अभी एक बार और इसको फिक्स करके दिखाएंगे। ये देखिए, क्रिस्टल को ऐसे रखना है, और उसके बाद देखिए ये जो ग्रीन डॉट है ये बड़ा वाला डॉट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका जो लाइट है ये बिल्कुल सही से क्रिस्टल एडजस्ट हुआ है। अभी लेंस को लगाकर आपको छत की तरफ देखना है, और लेंस को एडजस्ट करके एक डॉट में लाना है, ठीक है। अगर ये अच्छे से एडजस्ट करने के बाद एक डॉट पर आ जाता है, तो आपका जो लेंस है, जो क्रिस्टल है, बिल्कुल सही है। तो आप लेंस को भी एडजस्ट कर लीजिए, उसके साथ साथ ये देखिए ये डॉट पे हमारा लाइट आ गया है। अभी लेंस को अच्छे से खोल लेंगे, बिल्कुल एक डॉट के ऊपर आ गया है। अभी लेंस को अच्छे से खोलना है धीरे से, और इसको जो क्रिस्टल है इसको यहाँ पर एकदम गम लगा कर फिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं, ऐसे करके वो फिक्स कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर जो ये गम है ये लगा दीजिएगा आप। ये देखिए, ये जो गम है इसको आप किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में मिल जाएगा आपको। ये देखिए, ये मोबाइल का जो डिस्प्ले आता है उसके ऊपर इसको लगा जाता है। तो अभी इसको फिक्स कर देंगे। बाहर से इसको फिक्स करना है, अंदर की तरफ जो गम है इसको नहीं डालना है, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ इसको फिक्स करना है। अच्छे से देख लीजिए कैसे हम इसको फिक्स करते हैं, और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा। अभी इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे, ये बाहर एकदम फिक्स हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारे हाथों में, देखिए बिग ग्रीन डॉट आ रहा है, इसका मतलब इसका जो क्रिस्टल है बिल्कुल सही से बैठ गया है और एकदम लाइन पे है। तो आपको ऐसे करके एडजस्ट कर लेना है, और ये जो गम है ये बाहर ना निकले, ऐसे करके लगाना है। तो इसके ऊपर भी मत डालिएगा, इसको कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। अभी इसके ऊपर लेंस को लगाएंगे, देखिए ऐसे करके लेंस को लगाना है, और एकदम टाइट नहीं करना है। अभी देखिए ये लेंस जो ऊपर से घुमाता है, लेंस को ऊपर से धीरे धीरे करके घुमाकर आपको आपको ग्रीन डॉट के ऊपर लाना है। ये जो ग्रीन डॉट आ रहा था तो इसको छोटा करना है, तो लेंस को एडजस्ट करने के बाद इसको धीरे से खोल लेना है, ठीक है। इसको टाइट नहीं करना है, इसको एडजस्ट करने के बाद ये देखिए ये ग्रीन जो डॉट है इसको एक डॉट में लाना है लाइट को, और ये हमारा आग हो गया। तो अभी इसको धीरे से खोल लेंगे, और इसको खोलने के बाद आपको लेंस को फिक्स करना है। तो अंदर से एक अंगुली के मदद से इसको फिक्स करना है, और उसके बाद ये जो ऊपर लेंस को फिक्स करने वाला जो हिस्सा है इसको पार्ट को अच्छे से इसको टाइट कर देना है। ये हमारा पेच जो है ख़राब हो गया, तो इसको धीरे से इसको लगाना है एडजस्ट करके। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो इसका पेच ख़राब हो सकता है। आपको धीरे से इसको लगाना है। ये देखिए ये पेच जो है एकदम ख़राब हो गया है, तो धीरे धीरे करके ये पेच को कसते जाना है। ये देखिए हमारा लेंस एकदम फिक्स हो गया, टाइट हो गया। अभी इसको यहाँ पर लगाना है, ये हिलेगा भी नहीं। अभी इसको लगा के देखते हैं हमारा
ग्रीन डॉट जो है सही हुआ कि नहीं, और ऊपर वाला पट को भी यहाँ पर लगा देंगे लेंस का प्रोटेक्ट के लिए। तो ये लग गया है, अभी देखते हैं। ये देखिए एकदम एक स्पॉट पे आ गया है, एकदम देखिए आप, एकदम छोटा जो स्पॉट है ये हो गया। इसको ब्लैक में दिखाते हैं, ये देखिए एकदम स्पॉट में आ गया, देखिए देख सकते हैं अब लेंस एडजस्ट हो गया है। अभी देखिए ये जो गम हमने लगाया था यहाँ पर, देखिए ये फेविक्विक मत डालिए, फेविक्विक डालने से इसके अंदर जो लेंस के अंदर जो पॉइंट है ये सफ़ेद हो जाएगा, तो आपका लेंस ख़राब हो जाएगा। तो आपको फेविक्विक कभी भी मत डालिए, इससे आपका लेजर लाइट ख़राब हो सकता है, तो क्रिस्टल भी ख़राब हो सकता है। ये देखिए ये क्रिस्टल के अंदर आपको जो गैप दिखाया था हमने, ये गैप जो है यहाँ से हीट होके हीट बाहर निकलता है और इससे आपका क्रिस्टल जो सही रहता है, इसीलिए ये गैप रहता है। तो इसको मत डालिए इसके अंदर गम को, तो आप इसको पैक करने के टाइम ज़रूर ध्यान में रखिए यहाँ पर कोई भी गम नहीं डालना है आपको, ठीक है। ऐसा गम आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में मिल जाएगा, आप वहां से जाके लगा सकते हैं और आप वहां से इसको खरीद भी सकते हैं। लेंस को यहां पर फिर से लगा देंगे। दोस्तों ऐसा इलेक्ट्रॉनिक से काम देखना सीखना और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लिए ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट हम लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगा दीजिए।